व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। देखिए कितनी शानदार कोटेशन है ये। आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे फेसबुक पर सेंड की थी ये कोटेशन। तो इसमें बोला गया है कि देखिए, कॉन्फिडेंस और जो हार्डवर्क है वो सबसे अच्छी दवाई है जो फेलियर नाम की बीमारी होती है उसको भगाने के लिए। और अगर आप इस बीमारी को भगा लेते हैं, इस बीमारी को खत्म कर देते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी कछुए की और खरगोश की। तो वहां पे खरगोश में था ओवर कॉन्फिडेंस और कछुए में था कॉन्फिडेंस। और अगर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात करें तो उसमें बहुत ही बारीक सी एक झिल्ली होती है दोनों के बीच में। आपको पता नहीं चलेगा कब कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में पहुंच जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को चेकआउट करते रहना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। ओके, तो देखिए वहां पे बोला गया कछुए के द्वारा कि मैं देखिए कि इसको जीत लूंगा इस रेस को। खरगोश ने बोला मैं जरा सी देर में हरा दूंगा, पर फिर एंड में क्या हुआ, कहानी क्या हुई कि कछुआ जीत जाता है। तो इसलिए हमेशा जो इस तरीके की जो काम होते हैं, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि जिस तरीके से अगर कोई इंटेलिजेंस आदमी है वो हार्डवर्क नहीं करेगा तो वो हार जाएगा। पर लेकिन अगर कोई नॉर्मल सा भी बंदा है, कोई नॉर्मल भी इंसान है, वो डेली कंसिस्टेंटली अगर हार्डवर्क कर रहा है, डेली पंक्चुअली अपना काम कर रहा है, एक डिसिप्लिन मैनर में अपने सारी जो शेड्यूल बनाया उसको फॉलो कर रहा है, तो फिर वो भी अगर कुछ भी अचीव करना चाहे तो आराम से अचीव कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से किसी की हाथों की लकीर में लिख कर आया है कि आप ये काम नहीं करेंगे और आप ये काम कर पाएंगे। अगर आप भी आज से ही अपना शेड्यूल बनाकर उसको अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस आपको मिलने लगेंगे। ओके, तो आज 12th of July है, देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की इंसिलेटेड तो खरीद सकते हैं। ये कोर्स यहाँ पर भूमिका मैम के द्वारा, गौरव सर के द्वारा और महिपाल सर के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। ओके, तो ये आप लोग खरीद सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अगर किसी को जरूरत है तो। देखिए ये वाला फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा से रिलेटेड है। अमरनाथ की यात्रा पर जो यात्री थे उनके ऊपर अटैक हुआ और बहुत सारे यात्री मारे गए वहां पर। देखिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, अगर किसी भी धर्म की रिलीजन के ऊपर इस तरीके का अटैक होता है वो सबको क्रिटिसाइज करना चाहिए और वो कभी भी उसके लिए खुशी नहीं मनानी चाहिए। और यही हुआ जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में जो एक तरीके से मतलब मस्जिद में रहने वाले जो मुस्लिम थे या और भी जो सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम थे, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया। सब आगे निकल के आए कि देखिए रिलीजन पर इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा साइन है अगर देखने को मिले। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी के बीच भी इस तरीके के अटैक हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लूप होल सिक्योरिटी में भी देखने को मिलता है। और सबसे अलावा इसके अलावा एक बात और हम देख सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें ये अटैक की और जो जम्मू और कश्मीर में इस तरीके से जो पीपल्स मारे जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात करें, तो अगर पुराने टाइम से देखें आज की डेट में 2017 में सबसे ज्यादा यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो रहने वाले सिटीजन मारे जा चुके हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जम्मू और कश्मीर को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वहां पर सिक्योरिटी फोर्स रहती है और उसके बाद भी इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, तो फिर भी एक सोचने वाली बात आ जाती है कहीं ना कहीं तो लूप होल है सिक्योरिटी में। इसके अलावा वहां पर इतनी सारी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप वहां पर एक्टिव है, एक तो वो बात हो गई। और दूसरी जो साइड वो बोली जा रही है, आप लोगों ने अभी देखा होगा मुजाहिदीन का कमांडर था बुरान वानी, तो वो मारा गया था, तो उसको 1 साल हो रहे हैं, तो उसके देखते हुए भी इसको अटैक माना जा रहा है कि ये इसी बेस पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में दे रखा है कि जब जब यात्रा हुई कब तब तब क्या क्या थ्रेट रही है, तो 1991 से। हालांकि ये काम की तो नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है इस तरीके की एक्टिविटी, पहले भी इस तरीके की एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है। बट अब की बार जो एक डिफरेंट एंगल देखने को मिला है वो ये मिला है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पर एकदम साथ आके उन्होंने सबने इसको क्रिटिसाइज किया है कि इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलीजन से रिलेटेड। तो ये आर्टिकल था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए आप लोग इसको ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, पर लेकिन बस यही बताने का मेरा पर्पस है यहाँ पे कि हम सबको मिलकर रहना है अपनी कंट्री में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक हिंदू है एक मुस्लिम है, सब एक ही जैसे पैदा होते हैं यार, एक ही जैसे मरते हैं, तो क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सब एक इंसान है। तो हम लोगों को मिलकर रहना है, बस यही मेरा आर्टिकल बताने का यहाँ पर पर्पस था। ये ऊपर वाला जो आर्टिकल है हैप्पी जैकब मूनजी के द्वारा लिखा गया है, ये एक प्रोफेसर है JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। तो हमेशा अगर आर्टिकल देखने को मिलेंगे तो मैक्सिमम क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का क्रिटिसिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला क्या जा रहा है कि हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे नरेंद्र मोदी, मतलब मैक्सिमम फोकस इन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर ही किया गया है, तो बोल रहे हैं कि जिस भी कंट्री की विजिट पर जाते हैं, USA गए, अभी इसराइल गए, तो जहां पर भी जाते हैं वो भगवत गीता देकर आते हैं सबको। ठीक है, तो इनका मानना ये है कि भगवत गीता एक हिंदू की रिलीजन की बुक है, तो उसको क्यों देकर आ रहे हैं, ये तो सीधा सीधा हो गया कि जो RSS की इनकी आइडियोलॉजी है उसको आगे लेकर चल रहे हैं, उसको फॉलो करके चल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि कई कंट्री ऐसी हैं जहां पर इन्होंने जाके अनाउंस किया 2014-15 में भी कि हम यहां पर हिंदू के टेंपल बनाएंगे, खासकर UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो वहां पर इन्होंने बोला कि हम यहां पर हिंदू के टेंपल बनाएंगे।
जहां पर भी जाते हैं इनका फोकस रहता है हिंदू पे। इसके अलावा इन्होंने बोला अगर बाहर से कोई रिफ्यूजी आ रहा है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या और कंट्री से भी कोई रिफ्यूजी आ रहा है, तो उसमें इन्होंने अलाउ किया, हिंदू को अलाउ किया, सिख को अलाउ किया, क्रिश्चियंस को अलाउ किया, पर लेकिन उसमें मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया। तो ये इसके लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं। पर लेकिन अगर यहां पर एक बात बोली जाए, अगर मुस्लिम्स को अलाउ नहीं किया तो एक बात और निकल के आती है यहां पर। देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें वो कंप्लीटली मुस्लिम कंट्री है, अगर देखा जाए वहां पर मैक्सिमम मेजोरिटी मुस्लिम है। दूसरा बांग्लादेश को देखा जाए वहां भी मैक्सिमम मेजोरिटी मुस्लिम है और अफगानिस्तान को भी। अगर वहां से उन सिटीजन को यहां पर अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया ना कि उनके सिटीजन को हम बुला रहे हैं अपनी कंट्री में, एक ह्यूज पॉपुलेशन हमारी कंट्री में आएगी, जबकि दूसरी जो पॉपुलेशन है वहां पर माइनॉरिटी में है। तो इसलिए ये हो सकता है, इसके एक आर्टिकल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड, तो उसके पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल को आप लोग देखिए, हम यहां पर आर्टिकल डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्यू क्या है, ठीक है। मैं मानता हूं कि अगर कोई द हिंदू का डिस्कशन सुन रहा है तो वो एक मैच्योर इंसान है, वो हिंदू मुस्लिम और ये फालतू के जो लफड़े होते हैं उनको साइड में रखता है हमेशा, एक रीजनेबल थिंकिंग और एनालिटिकल पर्सन है। तो इसलिए अगर कोई आप डिस्कशन सुन रहे हैं तो ये जो आप लोगों को कास्ट से और रिलीजन से ऊपर उठ के आना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को एक मैच्योर सोसाइटी के तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मैं डिस्कशन करता हूं सारे व्यूज जो होते हैं वो ऑथर के व्यूज होते हैं, आप कमेंट करने लगते हैं जरा से, अगर मैं हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ भी इस तरीके से बोलता हूं तो आपके कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे ऑथर्स के यहां पर जो व्यूज होते हैं वो बताता हूं, मेरे पर्सनल कोई व्यूज नहीं होते यहां पर, जहां पर्सनल व्यूज होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए तो यहां पर देखिए अगर आज की डेट में तो वही बात बोली गई है यहां पर भी घुमा फिरा के, कि हमारी जो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि जो हमारे जो लीडर हैं आज की डेट में जो आरएसएस का मुद्दा है उसको आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने नेपाल का भी जिक्र करते हुए कहा है कि जहां पर भी हम लोग जाते हैं, जहां पर भी हम रिलेशन बढ़ाते हैं, हम अपना हिंदुत्व का जो इनका फंडा है वो उसको सबसे आगे रखते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा आगे जिक्र कर रहे हैं योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में 21 जून को, तो 21 जून को जो यूएसए में योगा सेलिब्रेट किया गया तो वहां पे बोला गया कि वहां पे जो हिंदू से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी उनको उसमें सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया, अलग से उनको स्पेशल इन्विटेशन के द्वारा बुलाया गया। तो यही बोल रहे हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और ये रिलेशन भी जो इसमें देखने को मिल रहा है रंग, वो आरएसएस का रंग देखने को मिल रहा है। तो ये आर्टिकल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस तरीके से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है एक एनालिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके के पॉइंट आप कभी भी अपने आंसर में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये साइड वाला जो आर्टिकल है ये बॉन्ड और इक्विटी से रिलेटेड है, तो किस तरीके से थोड़ा इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को यहाँ पे समझने को मिलेंगे, तो इस वाले आर्टिकल को भी थोड़ा अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये वाला आर्टिकल में जीएसटी को डिस्कस किया गया है, पर जीएसटी को डायरेक्ट डिस्कस नहीं किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे जो सैनिटरी जो नैपकिन होते हैं जो वुमेन्स या लड़कियां यूज करती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, तो उसका डिस्कस किया गया है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट्स भी, हमारी सोसाइटी में क्यों स्टिग्मा बना रखा है इसको, मतलब ये देखिए नेचुरल चीजें होती हैं, पता नहीं क्यों डिस्कस करने से सब डरते हैं, तो उस पहलू को भी मैं थोड़ा सा टच करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो जाए, ठीक है। तो इसको भी आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। ये साइड वाला आर्टिकल जो है फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है शिवशंकर मेनन जी, तो इनका इंटरव्यू दे रखा है यहाँ पर। इंटरव्यू यहाँ पर सारे जो आर्टिकल हैं पुराने हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनके थोड़े थोड़े पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो पहले तो डिस्कस यही किया गया आज की डेट में अगर इंडिया चाइना के रिलेशन को देखा जाए तो इंडिया चाइना के रिलेशन बड़े मतलब डिफरेंट टाइप के रिलेशन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो इनका बाउंड्री का इशू निकल के आता है, चाइना कभी भी बाउंड्री डिफाइन करने की कोशिश नहीं करता है, जब भी बाउंड्री डिफाइन करने की बात आती है बस वो एग्रेसिव मोड में निकल के आता है। इसके अलावा जो जिक्र किया गया यहाँ पर जिक्र किया गया दोनों ही कंट्री पार्टनर है ब्रिक में दोनों ही कंट्री पार्टनर है, तो वहां पर भी किस तरीके से दोनों साथ में होकर चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जिक्र किया गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई है, जो कि हमारी सॉवरन टेरिटरी पाक ऑक्युपाइड एरिया से होते हुए जाता है, तो उसके वाले का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। इसके द्वारा यहाँ पर जो नेशनल जो हमारा जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की हम लोगों ने बात की थी, कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ और डिस्कस भी कर चुके हैं, तो उसमें जिस तरीके से चाइना हमको बार बार स्टॉप कर देता है तो उसका भी हल्का सा यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कई सारे टेररिस्ट ऐसे ग्रुप हैं हमको बैन कराना चाहते हैं, पर चाइना क्या करता है हर टाइम उसको रोक देता है। इसके अलावा जो थोड़ा सा रिलेशन अगर चाइना के साथ में हमारा देखा जाए एज कम्पेयर टू हमारी मालाबार एक्सरसाइज चल रही है आज के डेट में बंगाल में, तो कहीं ना कहीं इसको टैकल करने के लिए चल रही है, तो वो भी एक बात ये निकल के आती है चाइना का जो एग्रेसिव रवैया है कहीं ना कहीं उसको किस तरीके से टैकल करके चला जाए। एक बात ये बोली गई कि चाइना का जो ढुलमुल रवैया है आज की डेट में अगर देखा जाए तो उसको हमको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए चाइना हमेशा से क्या करता है एक एग्रेसिव जोन में आता है सामने वाले को डराने के लिए। चाइना बिल्कुल ऐसा करता है जैसे बंदर नहीं देखा आप लोगों ने, अगर बंद आपके हाथ में कुछ नहीं है तो बंदर आप लोगों को मतलब थोड़ा सा दांत दिखा के डराने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद में अगर आपके हाथ में कुछ भी है कोई भी छड़ी वगैरह तो आप अगर उसकी तरफ को भागेंगे तो भाग जाएगा। तो चाइना हर बार ऐसा ही करता है, अगर सामने वाला डर जाए तो बंदर क्या करता है ऊपर कूद पड़ता है।
तो वही काम चाइना करता है। तो हर बार पड़ोसियों को डराने की कोशिश करता है और डराने की यहां तक कोशिश करता है कि वो डर जाए मैक्सिमम, क्योंकि इनके पास पावर भी है अगर देखा जाए तो वो बात निकल के आती है। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट अगर इंप्लीमेंट हम लोग यहां पर करके चले तो हमको भी इनको ये बताना चाहिए कि हमको यहां पर आप लोगों से डरना नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके का हमको भी स्टेप्स लेकर चलना है, तो उस तरीके से हमको चीजों को टैकल करना है, देखना है। ये नीचे वाला जो यहाँ पे आर्टिकल होता है ये काम का नहीं है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला आर्टिकल मिड डे मील से रिलेटेड है कि किस तरीके से हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए और जिस तरीके से जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से टैकल करके चलना चाहिए। तो एक अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे बताया जो कि बिहार में इंप्लीमेंट किया गया है और उसको हम पूरी कंट्री में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं जो कि खासकर जो स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको किस तरीके से अच्छे लेवल का खाना प्रोवाइड कराया जाए, तो ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है, ठीक है। और देखिए कई बार यहाँ पर आज की डेट में मैं देख चुका हूँ, मतलब कई कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि वो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट होता है। तो आपके पास में बटन है यूट्यूब पर, आपको लगता है अगर यहाँ पे ये जो मैं कोटेशन डिस्कस करता हूँ उसमें टाइम वेस्ट होता है और यहाँ पर ओवरव्यू देता हूँ इसमें टाइम वेस्ट होता है, तो सीधा आप उसको फॉरवर्ड कीजिए, वहां से आगे जाइए और आगे से देखना स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हैं यार, बिल्कुल यहाँ पर कोई ऐसी रोक टोक ही नहीं है कि आपको कहीं पर टिक कर किसी आर्टिकल को समझना है या देखना है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये आर्टिकल मेरे काम का नहीं है, ये आर्टिकल मेरी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो आपके हाथ में बटन है, जहां पर चाहे आप उसको रोक सकते हैं, जहां पर चाहे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपके पास में कोई पाबंदी नहीं है। और नहीं आप लोगों को कोई यहां पर मतलब ये बोलता है कि कंप्लीटली आपको पूरा न्यूज़पेपर देखना है, आप लोग चाहे तो स्टार्टिंग का देखकर छोड़ सकते हैं, आप लोगों को लगता है अगर ओवरव्यू लेना है मुझको न्यूज़पेपर का। बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको ओनली कोटेशन के लिए देखते हैं, उनको लगता है कि कोटेशन उनको मोटिवेट करती है, तो वहां पर भी बहुत सारे देख देते हैं। तो कमेंट करने से पहले एक बार सोचा कीजिए, जितना आपको रोका थोड़ी ना है किसी ने, तो वो आप लोग एक बार देखा कीजिए, ठीक है। तो जितना आप लोगों के अच्छा है, जितना आप लोगों को लगता है सुटेबल आप लोगों के लिए, उतना सुनिए। ये थोड़ी ना है जिसको लगता है एडिटोरियल सुनने वो एडिटोरियल सुनकर बंद कर सकता है, जिसको लगता है न्यूज़पेपर डिस्कशन करना है ओनली सुनना है वो पूरा एडिटोरियल सबको स्किप करके न्यूज़पेपर डिस्कशन सुन सकता है ओनली लास्ट वाला पोर्शन। तो आप इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, किसी ने आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से बांधा हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जस्ट इंजॉय कीजिए और बस ये कीजिए कि जितना आप सीखते हैं कोई सा भी पोर्शन, बस दूसरों के साथ में शेयर कर दीजिए, दूसरों के साथ में थोड़ा सा बांट दीजिए उससे, जिससे कि सोसाइटी में एक अच्छा लेवल का एनवायरनमेंट बनाया जा सके। तो बस आप लोग इंजॉय कीजिए पढ़ाई को, टेंशन नहीं लिया करते फालतू की चीजों की, ओके। देखिए ये वाले आर्टिकल को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा लगा हुआ है, जब भी बात आती है सेक्स एजुकेशन की बात आती है ना, तो मतलब पेरेंट्स कुछ बताने को चाहते हैं बच्चों को, ना ही कोई टीचर उसके सामने निकल के आता है। अगर बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं उनको बात करने की आती है तो उनको स्किप कर दिया जाता है क्लास में, बोल दिया जाता है कि अपना पढ़ लेना और इनको देख लेना घर पे जाके समझ लेना अपने आप। तो ऐसा क्यों होता है सोसाइटी में, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कम से कम अगर हम नहीं बताएंगे, अगर जैसे कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर डिस्कशन सुन रहे हैं, तो कम से कम आपके छोटे भाई बहन है तो उनको अवेयर कराएं, ये नेचुरल चीज है। हम लोग इनसे भागते क्यों है मेरी समझ में ये नहीं आता है। तो इनसे कभी भी भागना नहीं है, अगर इस तरीके की कोई भी डिस्कशन आ रहा है कहीं पर भी उसको अच्छे से डिस्कस कीजिए, उनकी समझ में आना चाहिए एक्चुअली है क्या, तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे एक एज से आगे एज बढ़नी स्टार्ट होती है तो क्या क्या हार्मोनल चेंज होते हैं, तो काफी बच्चे जो डर जाते हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, तो उनको समझाना चाहिए कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ना कि उससे छिपाना चाहिए कि ये क्या हो गया इनके सामने नहीं बताना है, मतलब इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये मैक्सिमम इंडिया में होता है, अगर बाहर की कंट्री में देखा जाए तो प्रॉपर वे में उसके ऊपर एजुकेशन बनी हुई है और सबको एक मतलब सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है, पर हमारी कंट्री में पता नहीं क्यों डरते हैं। तो मैं चाहता हूं अगर आप लोग यहां से कुछ भी सीखते हैं अपने छोटे भाई बहन से, या फिर अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो अपने बच्चों से इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जिससे कि एक सेक्स एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट भी हालांकि वर्क कर रही है, डिजिटल मीडियम भी एक अच्छा मीडियम है जिसके हेल्प से की जा सकती है। एक्चुअली एक डिस्कशन भी सुन रहा था मैं ऑल इंडिया रेडियो पे, वहां पे भी यही मुद्दा था, उसमें बोला गया था कि अगर सेक्स एजुकेशन की जब भी बात आती है कोई भी टीचर बताने की कोशिश नहीं करता है, तो वहां पर भी एक जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बोला था कि इसको हम मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन के जो लेक्चर है उनको हम डिजिटल के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, जहां पे कोई टीचर ना हो सब बैठ के सुने जैसे मूवी देखते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन था। बाकी तो यहाँ पे भी डिजिटल मीडियम ही है तो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। तो बोला क्या जा रहा है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जीएसटी की बात की जा रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट किया गया 30 जून और 1 जुलाई की मिड नाइट में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था, इनडायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था ये जो इंप्लीमेंट किया गया। तो इस टैक्स रिफॉर्म की वजह से हमारा बहुत ही ह्यूज लेवल पर एक टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया है हमारी कंट्री में, ओके। तो इन्होंने बोला है, जो ये जो आर्टिकल लिखने वाली है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये आर्टिकल लिखने वाली कांग्रेस की लीडर है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा गवर्नमेंट का।
तो सुष्मिता देवी जी के द्वारा जो आर्टिकल लिखा जा रहा है तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा इससे रिलेटेड। कांग्रेस है तो देखिए थोड़ा सा बीजेपी को क्रिटिसाइज करेंगे, पर लेकिन जो जेन्युइन पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम ओके वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जब ये जीएसटी की बात की गई, जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बातें रखी सामने, तो इन्होंने सीधा सीधा मुद्दा उठाया कि जो जो पैड्स होती हैं, जो कि एक तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान यूज करती हैं लड़कियां, तो मैं आप लोगों को पहले ये बता देना चाहता हूं एक बार। देखिए बहुत बार एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, जब भी आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं टीवी में, मतलब मुझे भी देखने को मिला करते थे, समझ में नहीं आता था ये कि किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि किसी ने कभी बताया नहीं कि होता क्या एक्चुअल में। तो मैं यही बातें बताना चाहता हूँ कि देखिए ये सब नेचुरल प्रोसेस है, तो आप लोगों को इससे भागना नहीं है। हमारी सोसाइटी में कई सारे स्टिग्मा है, अगर ये इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, ये मंथली एक साइकिल होती है जो वुमेन्स में होती है, और इस साइकिल की वजह से ही हम जैसे इंसान पैदा होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इससे भागना नहीं है, इसको समझना है। इसकी वजह से ही जो लड़की होती है, जो औरतें होती हैं, वो प्रेग्नेंट हो पाती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसीज है, ये कुछ भी गलत नहीं है। हमारी सोसाइटी में क्या स्टिग्मा लगा हुआ है, अगर किसी को ये लड़की को ये साइकिल हो रही है तो उनको मंदिर के पास नहीं जाने दिया जाता है, मतलब प्रदूषित माना जाता है। मतलब प्रदूषित भी मान कौन रहे हैं, जो कि बने हुए इसी से हैं, वो इसको प्रदूषित मान रहे हैं। तो कितना मतलब एक कितना ऑकवर्ड चीज लगती है देखने में, और ये ऐसे स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा अटैच है। तो होता क्या है, देखिए ये ब्लड निकलता है, तो ये इसको ब्लड को रोकने के लिए इस तरीके की पैड्स आती हैं मार्केट में, तो इसके ऊपर ये कंप्लीट आर्टिकल डिस्कस है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग अपने अंडरवियर पहनते हैं, तो अंडरवियर में पैड में इसको लगा लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लगा लिया जाता है, तो जितना भी ब्लड निकलता है वो एक तरीके से गंदा ब्लड बोला जाता है, तो जितना भी वो ब्लड निकलता है वो ये पैड सोख लेती है, तो कपड़े गंदे नहीं होते हैं इसकी वजह से। तो ये तरीका होता है इसको लगाने का, ठीक है। तो जो भी आप लोग अगर कोई भी किसी को भी किसी भी तरीके से इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, खासकर लड़कियों में प्रॉब्लम होती है, लड़कों में तो नहीं होती है, पर लेकिन लड़कों को ये पता होना चाहिए, और लड़के इसको लेके थोड़ा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो लड़कों को भी अगर कभी इस तरीके का लगता है, देखिए एक तो पता होना चाहिए कि लड़कियों में ये होता है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कभी लगता है कि मतलब कोई लड़की को इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो मतलब उसको थोड़ा सा एक वो नहीं होता है, एक उसको ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए कि वो वहां पर इनफियर, मतलब उसके अंदर इनफियरिटी ना आ जाए कि ये क्या हो गया। तो एक पॉजिटिव एनवायरमेंट आप भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी हमारी सिस्टर्स के भी होता है, हमारी मदर्स को भी होता है, हमारी वाइफ्स को भी होता है, तो सबको होता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी को नहीं होता है, तो सबको होता है। तो क्यों हम इसमें स्टिग्मा अटैच करके चलते हैं, तो इसको एज ए कॉमन और एक नेचुरल चीज के रूप में लेके चलिए। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर को होता है, सबको होता है, और हम इसकी वजह से ही हम पैदा भी होते हैं। तो इसको नेचुरलिटी के बेस पे हम लोगों को लेके चलना है, नेगेटिव में लेके नहीं चलना है। और यही कंप्लीट जो बातें मैंने यहाँ पे बोली है, इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे आर्टिकल्स में लिखे गए हैं, सारी बातें जो बोली है वो राइटर ने लिखी है, आप लोगों को आगे आगे देखने को मिलती रहेगी यहाँ पर जैसे जैसे आगे चलेंगे हम अब, ठीक है। तो इन्होंने एक कंपेन चलाया, उसमें इन्होंने क्या बोला, जब इनको पता चला कि टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला जो इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड है तो उनको क्या किया जाए, उनको टैक्स फ्री किया जाए, उनके ऊपर कोई टैक्स ना लगाया जाए, जिससे कि वो सस्ती हो जाए, ठीक है। तो उससे देखिए इको फ्रेंडली क्या मतलब होता है, जो आराम से डिग्रेड हो जाए आराम से। इसके अलावा जो नैपकिन्स वगैरह हैं उसको भी बोला गया कि जो टैक्स की इनको स्लैब में रखा गया 12 से 14 की, उसको भी घटा करके 5% की स्लैब में लेके आना चाहिए। और इन्होंने बोला कि कुछ टाइम की मेरी अपील पे ही लाखों आदमी मेरे साथ में जुड़ गए, कई सारे पॉलिटिशियन और इवन जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है उन्होंने भी इसको मतलब बताया कि अच्छा प्रपोजल है, इसके बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि देखिए अगर सैनिटरी जो पैड हैं, जो नैपकिन्स हैं, अगर ये अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ये कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमारे ये इस तरीके के पार्ट्स होते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अगर इनको साफ नहीं रखा जाता तो बहुत सारी बीमारी लग जाती है। तो हम लोगों को भी अपने ये पार्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए, और खासकर इसको सुखाना चाहिए, अगर हम जैसे नहाकर आते हैं तो अच्छे से इसको टॉवल वगैरह यूज करके, क्योंकि यहाँ पर ईचिंग वगैरह बड़ी जल्दी हो जाती है। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटी होती है तो खासकर यूज किया जाए कि जल्दी से जल्दी इसको मतलब ड्राई बनाया जाए इन प्लेसों को, वरना बहुत सारे कीटाणु वगैरह हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये भी डॉक्टर्स के द्वारा काफी बार सजेस्ट किया जाता है। तो ये भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं राइटर कि अफोर्डेबल चीजें देखिए प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो ये मतलब एक फिर से बताता हूँ कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर होता क्या है, एक तो अगर ये सैनिटरी पैड अगर अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है, क्योंकि देखिए अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है तो वो सब चीजें इनको हैंडल कर लेती है, पर लेकिन गरीब के बारे में सोचिए जो अपनी डेली दहाड़ी होती है उनकी, मतलब 100 रुपये कमाते हैं जो मनरेगा में काम करते हैं, उसके अलावा और भी मतलब जो ठेली वगैरह लगाते हैं, रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, अगर वो सैनिटरी पैड पे ही खर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी। इसलिए क्या होता है मैक्सिमम जो होता है, यहाँ पर आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या क्या यूज करते हैं, देखना कितना मतलब पढ़ के भी मुझे बड़ा ओड लगा वहां पर। तो सैनिटरी नैपकिन अगर अच्छे से अवेलेबल रहेगा तो आराम से चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, और जो बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड इशू होते हैं तो उनसे बचा जा सकता है। और वुमेन के पास में भी ये कई सारी मतलब ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे आराम से इसको यूज करने के लिए, तो वो भी बात बोली गई है। इसके अलावा देखिए क्या कई सारी बातें यहाँ पे बोली गई है कि स्कूल्स में गर्ल्स जो है खासकर इन सब चीजों की वजह से ही
अपने स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज खासकर वॉशरूम अवेलेबल नहीं होते हैं, जो अगर वॉशरूम अवेलेबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए उनको खासकर छोड़ देने पड़ते हैं स्कूल इन सब चीज़ों की वजह से। एक तो वॉशरूम टॉयलेट के लिए भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए तो कोई बनता ही नहीं है गाँव में भी अगर देखने को मिले, ठीक है। तो इसीलिए कई सारी प्रॉब्लम इस तरीके से आती है कि मैक्सिमम जो गर्ल्स होती हैं वो ड्रॉप कर देती हैं अपने स्कूल्स जो होते हैं। और इसके अलावा ये क्या बोल रही है, देखिए कहीं पे रेस्ट रूम नहीं होता है, ये माना जाता है कि अगर ये इस तरीके की मतलब ये साइकिल होती है इसमें बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, ठीक है, बॉडी जो है वो टूटी टूटी रहने लगती है, तो इसमें बोला जाता है कि अगर इस तरीके की होती है तो रेस्ट रूम चाहिए होता है, तो वहाँ पर स्कूल में कोई भी रेस्ट रूम नहीं होता है, वॉशरूम तो होता नहीं है, रेस्ट रूम तो दूर की बात हो गई है, तो ये भी कई सारी प्रॉब्लम है। इसके अलावा लड़कियों को लाइबिलिटीज़ माना जाता है, लाइबिलिटीज़ वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, जिस तरीके से आप लोगों ने मूवी देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, तो उस मूवी में स्टार्टिंग में डायलॉग है कि जो लड़की होती है उनको लाइबिलिटीज माना जाता है, मतलब वो दूसरों के मतलब दूसरों का उधार है एक तरीके से, मतलब इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरीके से बैंक में आप लोग पैसा जाकर रखते हैं तो बैंक के वो लाइबिलिटीज़ है, मतलब आप लोगों का रिटर्न करना है बैंक को वो, तो लड़की को भी लाइबिलिटीज़ माना जाता है और एसेट माना जाता है लड़कों को, तो लाइबिलिटीज़ की तरीके से देखा जाता है, इसीलिए बहुत सी लड़कियों का मतलब स्टार्टिंग में ही जो पेट में ही होता है उनको वहीं पे ही मार दिया जाता है, तो ये भी बात होती है कई तरीके इस तरीके की एक्टिविटी हमारी सोसाइटी में इतने गंदे लेवल की एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। आगे क्या बोल रहे हैं राइटर, आगे बोल रहे हैं कि मैक्सिमम अगर देखा जाए जो वुमेन होती हैं खासकर विलेज एरिया में, तो वे क्लोथ्स यूज़ करती हैं इनकी जगह नैपकिन से, तो क्लोथ्स भी मैक्सिमम नया तो कोई यूज़ करेगा नहीं, पुराने क्लोथ्स रहेंगे तो वो भी एक तरीके से बैक्टीरिया फ्री कहीं नहीं होंगे, तो क्लोथ्स की क्वालिटी भी कैसी रहती है, तो एक अच्छे लेवल की मतलब जो अच्छे लेवल का एक आप लोग बोल सकते हैं इफिशेंट अगर कोई सैनिटरी वाला एक प्रोडक्ट है वो उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो होता क्या है वो इससे फिर बीमारी फैलना स्टार्ट हो जाती है, और वो तो फिर भी एक बार को देखा जाए कपड़ा यूज़ करना तो समझ में आता है, मतलब ब्लड को एक तरीके से उसको साफ करने के लिए वुड सैंड रॉक वुड न्यूज़पेपर ड्राई लीव्स ये देखिए खाक के प्लास्टिक तक, मतलब समझ रहे हैं आप क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इतने गंदे लेवल पर मतलब कितना ज़्यादा इंजर्ड किया जा सकता है अपने जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसकी वजह से ही बहुत सारी वुमेन्स होती हैं डाई कर जाती हैं, मतलब मर जाती हैं बहुत सारी औरतें जो होती हैं उसी की वजह से, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, अगर इस पे नहीं सोचा जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में अगर हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं सोच रहे हैं, तो वैसे करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात, तो ये वही बात बोल के क्रिटिसाइज कर रही हैं कि हम सब्सिडाइज नैपकिन दे तो रहे हैं पर लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बहुत से स्टेट दे रहे हैं पर लेकिन सब स्टेट नहीं दे रहे हैं, 70% जो वुमेन है वो अफोर्ड नहीं कर पाती है सैनिटरी पैड जो है अगर देखा जाए तो, और 70% तो मेरे हिसाब से लिए बहुत ज़्यादा बोल दिया है, इतना 30% भी ज़्यादा ही है जो अफोर्ड कर पाती है वो भी नहीं कर पाते हैं अगर देखा जाए तो, सब्सिडी जो नैपकिन है वो भी एक सॉल्यूशन नहीं है, मतलब अच्छे लेवल पर सबको प्रोवाइड कराना चाहिए, ये एक तरीके से फ्री बटने चाहिए अगर देखा जाए तो, अगर वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड बात की जाती है तो। यहाँ पे बोला गया कि देखिए 11,000 अगर प्रोडक्ट देखे जाए तो इन लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसके में मतलब चूड़ी बिंदी वुमेन को अगर देखा जाए तो इनके तरीके से देखा जाता है, चूड़ियाँ होती हैं बिंदियाँ होती हैं, तो इनको तो इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया टैक्स से, जीएसटी से कोई जीएसटी नहीं लगाया इनके ऊपर, पर लेकिन जो रियल फैक्ट था जिसके ऊपर जीएसटी फ्री करना चाहिए था वहां पर इन्होंने कुछ नहीं सोचा, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे मतलब ये इस लाइन में आप लोगों को थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कर रही है, मतलब कि जो जीएसटी की काउंसिल है उसमें जो मेंबर थे उनके थोड़ा सा विचारधारा भी बताने की कोशिश कर रही है, मतलब वो भी वुमेन को इसी तरीके से देखते हैं कि बैंगल्स और जो इनकी चूड़ियाँ और जो बिंदियाँ होती हैं वो वाला पोर्शन देखते हैं, मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है वो भी उनके माइंड में नहीं आया और उन्होंने उसके बारे में नहीं सोच पाए, तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है जीएसटी काउंसिल को भी कि कम से कम ये तो उनको सोचना चाहिए था ना, तो ये इस तरीके का आर्टिकल था। और देखिए यार अगर आप लोग यहाँ पर आर्टिकल सुनते हैं तो नेगेटिव कमेंट लिखने से पहले खासकर ऐसे इशू पर एक बार सोच लिया कीजिए, उसके बाद कमेंट लिखा कीजिए, कमेंट लिखना बड़ा आसान होता है, चेंजेस के नाम पर अगर कुछ भी आता है सोसाइटी में तो वहाँ पर बोल तो देते हो जरा सी देर में कि ये भाषण देता है फालतू के, भाषण मुझे पता है मैं दूंगा भाषण, वो आपके बोलने से तो नहीं रुकूंगा मैं, ये तो कन्फर्म है, बस ये है कि आप लोग इस तरीके के इशू से जो सोसाइटी में आप लोग रहते हैं कम से कम अपने खुद की सोच थोड़ी चेंज करने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास की भी सोच थोड़ी चेंज करने की कोशिश कीजिए और एक अच्छे लेवल पे देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यार ये सिस्टर्स हैं हमारी मदर्स हैं वाइफ्स हैं, तो हमारा कंप्लीट लाइफ जो है इन्हीं से कनेक्ट रहता है, तो अगर उनसे रिलेटेड कोई भी इशू होता है सामने लेकर आओ उसको, और अगर देखिए घर में भी आप लोगों को लगता है कि जैसे कि सिस्टर्स हैं उसको की बोल दिया जाता है कि 12th के बाद ही पढ़ाई बंद कर दो, तो सपोर्ट कीजिए उसको कि नहीं पापा पढ़ाना है आगे हमको अपनी सिस्टर को, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को निकल के आना है, तो तभी तो हम चेंज ला पाएंगे सोसाइटी में, 50% हमारी लगभग पॉपुलेशन है वुमेन, ठीक है ना, लड़कियां, तो उनको साथ में लेके चलना है तभी हमारी कंट्री आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। तो ये जो बकवास लगती है आप लोगों को, बकवास आप लोगों को लग सकती है पर मुझे बकवास नहीं लगती है, मैं इसको ऐसे ही बताता रहूंगा, आप लोगों को सुनना है सुनो, ना सुनना है तो ना सुने, वो आप लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर है। चलिए आगे चलते हैं।
एक्चुअली मुझे गुस्सा इसलिए आता है अगर कुछ भी इस तरीके का मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ तो बड़े नेगेटिव कमेंट आते हैं कई सारे निकल के, तो फिर मतलब सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि क्या यार डिस्कशन सही चल रहा है, मैं सही कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर, वरना मैं भी नॉर्मल एक फॉर्मल तरीके से डिस्कस कर सकता हूँ। मैं भी क्या करूँगा, उठा के चार पाँच चीज़ें बताऊँगा जो आर्टिकल में लिखा लिख के चल आगे बढ़ जाऊँगा, मेरा क्या बिगड़ रहा है यार। मुझे तो मैं तो मतलब मैं भी कर सकता हूँ, जो प्रोफेशनलिटी की आप बात करते हैं ना कई बार नीचे आर्टिकल में, प्रोफेशनलिटी के ऊपर आ जाते हैं कि अनप्रोफेशनल वे में पढ़ा रहा है यार, प्रोफेशनल वे में जब आ जाऊँगा तो आप फिर ये कहेंगे कि ये क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ मैक्सिमम तरीके से, तो उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा मतलब आंसर देने की कोशिश कीजिए अच्छे से, तो वो मुझे भी अच्छा लगेगा। वरना वही बात होती है, नॉर्मल तरीके से सबको करना आता है, मुझे थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है जो इतनी चिक चिक करता हूँ यहाँ पर, आराम से करके निकल जाऊँगा मैं भी, पर नहीं करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग भी, ओके। तो कमेंट करने से पहले सोचा कीजिए एक बार, अगर नेगेटिव कमेंट है तो चलिए, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए जो ये आर्टिकल है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, बॉन्ड्स का नाम सुना होगा, स्टॉक्स का नाम सुना होगा, इक्विटी का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर जब बॉन्ड्स की बात आती है वो थोड़ा डिफरेंट है, और अगर यहाँ पे इक्विटी की बात आती है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। स्टॉक और इक्विटी थोड़ा डिफरेंट है और बॉन्ड थोड़ा डिफरेंट है। देखिए बॉन्ड एक इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने किसी से मतलब 10 लाख रुपए उधार ले लिए, ठीक है ना, 10 लाख रुपए आप लोगों ने किसी से उधार लिए, तो जो उधार लिए गए 10 लाख रुपए हैं वो आप लोगों ने क्या किया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में, ठीक है, लोगों से। एक तो आप लोगों ने कहीं से किसी कंपनी से मतलब बैंक से 10 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, किसी उसमें बिजनेस में लगाने के लिए। अब वो 10 लाख रुपए आपने बैंक से उधार लिए, फिर वो 10 लाख आप लोगों ने क्या किया, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, मतलब लोगों से, लोगों को बोला कि मेरी कंपनी के ये शेयर हैं, आप लोग खरीदे और मुझे मतलब मेरी समझ, फिर से सुनिए इसको एक बार, यहाँ पे सुन लेते हैं इसको फिर से, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। देखिए एक साइड में हो गया आप लोगों का बॉन्ड, शांति में समझते हैं, ठीक है ना, एक साइड में हो गया इक्विटी, ठीक है, और शेयर्स हो गया। इक्विटी और शेयर्स तो ऐसा हो गया, आप लोग क्या जाते हैं, मान लीजिए आप लोग कहीं पर जाते हैं किसी मार्केट में, आप लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दो तरीका होता है, एक तो उसके बॉन्ड खरीद लीजिए, ठीक है, बॉन्ड खरीदना होता है एक तरीके से, उधारी खरीदना उसकी, मतलब उसने कहीं से उधार ले रखा है, आप उसकी उधारी खरीद रहे हैं, ठीक है। और जो इक्विटी और शेयर्स होते हैं ये आप कंपनी के इसमें मालिक बन जाते हैं, भले ही आप 1% के मालिक बने, भले ही आप 2% के मालिक बने, तो यहाँ पर आप मालिक बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप उधारी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कंपनी ने जो कोई उधारी ले रखी है आप उसकी उधारी को पेड करने में वहाँ पर उसकी सहायता करते हैं, इसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसके बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं और जहाँ पे इक्विटी होती है। अगर जितनी भी कमाई होती है, अगर कल को दिवालिया हो जाती है कंपनी या कुछ भी हो जाता है, तो सबसे पहले जो उधारी वाले बंदे हैं उनको सबसे पहले उनका जो लिया गया है वो दिया जाता है। इसके बाद में नंबर आता है जो इक्विटीज होती हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मालिक है ना, इनको पहले देने की क्या जरूरत है, जो उधार उठा रखा है उनको देने की जरूरत है, आप तो मालिक है ना, आपको तो प्रॉफिट मिलता है, तो जो दिया जाता है पहले उनका रिटर्न किया जाता है जिनसे उधार ले रखा है। तो ये इसीलिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या है, इक्विटी और या स्टॉक्स क्या है। स्टॉक्स मार्केट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, शेयर्स बिकते हैं वहां पे, तो शेयर का मतलब है आप लोगों ने खरीद लिए, आप कंपनी में कुछ परसेंट के मालिक हो गए, तो ये शेयर्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझना है तो आप लोगों को आर्टिकल समझ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर तो कई सारी कंट्री का इन्होंने जिक्र किया यहाँ पे, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, जापान, यूरोप, यूरोपियन यूनियन, तो इनका सबका अलग अलग जिक्र नहीं करूंगा। तो चीजें क्या देखने को मिली है, तो कुछ टाइम से ग्लोबल जो मार्केट है उसमें वीकनेस देखने को मिली है, जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट मतलब उधारी वाली मार्केट में, तो वहां पे कम देखने को मिला है, मंदी आ गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, ये यहाँ पे बोला गया है। मॉनेटरी पॉलिसी जिस तरीके से मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो बैंक के द्वारा टैकल की जाती है, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा टैकल की जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जिस तरीके से फेडरल रिजर्व है वो यूएसए का बैंक है, ठीक है, फेड रिजर्व, इसके अलावा इंडिया का आरबीआई है, तो इसी तरीके से हर कंट्री के बैंक होते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका जापान का और आप लोग चाइना का, चलो जापान और चाइना का, दोनों का जो नेशनल बैंक है वहाँ के, जिस तरीके से आरबीआई हमारे हैं, दोनों के बैंक के नाम लिखिए, काफ़ी बार न्यूज़ में रहते हैं, और खासकर जापान से हमने लोन भी ले रखा है तो इसलिए भी कई बार न्यूज़ में रहता है, चाइना का भी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो दोनों के बारे में उनके बैंकों के नाम लिखिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जिस तरीके से होती है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों को दिख रहा है कि हल्की है, ठीक है ना, टैक्स क्या होता है, देखिए मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है किसी भी उस पर, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में पैसे जो है वो महंगे आएंगे, ठीक है। अगर महंगे मार्केट में पैसा आ रहा है, अगर मान लीजिए आप लोगों को स्कूटर खरीदना है और उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आप लोग क्या सोचेंगे, थोड़ा रुक के खरीद लेते हैं, तो इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, इसको लिक्विडिटी कम करना बोलते हैं। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो आप लोग लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं,
तो या तो मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है। तो जो ये मार्केट में लिक्विडिटी कम करना और लिक्विडिटी बढ़ाना, ये सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये बैंक की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। खासकर हमारी कंट्री में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, पर दूसरी कंट्री में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, तो ये बात हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बॉन्ड मार्केट का भी काफी इसमें फेरबदल होता है, इसमें देखने को मिलता है। अगर यहां पर बोला जा रहा है 1% अगर फेडरल रिजर्व है यूएसए का, अगर 1% इंक्रीज कर देता है रेट, तो देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि 2.4 ट्रिलियन जो बॉन्ड होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं सदमे में आ जाते हैं, 1.1 ट्रिलियन से 2.4 ट्रिलियन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, लिक्विडिटी खत्म हो जाती है कहीं ना कहीं, मतलब मार्केट में पैसा आना बंद हो जाता है। तो ये देखिए 1% चेंज करने से कितना ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि ये जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, ये बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आने वाले टाइम में ईज होती चली जाएंगी, तो फिर से कैश फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ये बैंक की पॉलिसीज के वजह से देखने को मिल रहा है, ठीक है, और कोई इसका ज्यादा रीजन नहीं है। तो बैंक जब जब अपनी पॉलिसी ईज करना स्टार्ट कर देंगे, तब तब लिक्विडिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी और तब तक मार्केट आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी अच्छे लेवल पर, ओके। ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल देखिए, मदर्स एज ए मॉनिटर के उसमें बोला गया है, बोला क्या गया है देखिए, यहां पर सबसे पहले स्टार्ट किया गया आप लोगों एक वर्ल्ड के भी बारे में देखने को मिलेगा। यहां पे वर्ल्ड हंगर डे की बात की गई है, 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। तो यूनियन मिनिस्टर वुमेन्स एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी जी ने उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो उन्होंने क्या बोला कि फोर्टिफाइड मील की बात की जा रही है, कि फोर्टिफाइड मील प्रोवाइड करो बच्चों को स्कूलों में, ठीक है, तो ये बात की जा रही है। तो ये बोलेंगे फोर्टिफाइड मील जो होता है वो सोल्यूशन नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं जो माइल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की, तो ये उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि मेनका गांधी जी भी अपने उसी नक्शे कदम पर चल रही है जो इनसे पहले वाले नेता थे वो चलते थे। तो ये क्या कह रहे हैं इसके आगे कि अगर देखा जाए 1.3 बिलियन पीपल हैं और अगर इनको मॉनिटरी की जाए इनके मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो ये इस तरीके से फोर्टिफाइड फूड उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा कि कोई भी ऐसा मॉनिटर बनाया जाए जो कि सोसाइटी से कनेक्टेड है। फोर्टिफाइड फूड भी आप लोग कहां से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलती रहेगी। तो यहां पर इन्होंने बिहार का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से महाराष्ट्र का भी एक एग्जांपल लिया था, पर लेकिन मैंने आप लोगों को यहां पर बिहार का लिया है इसमें। तो यहां पर क्या बताया गया, यहां पर यह बताया गया कि जिस तरीके से बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है, मील दिया जाता है, तो वहां पर अगर मॉनिटर लगाया जाए उनकी मदर्स जो होती हैं उनको, तो कभी भी बच्चों को गलत खाना नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि अगर वुमेन को ही एज ए मॉनिटर यूज किया जाए, उनकी मदर्स को ही, तो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है बच्चों की दूर हो सकती है, क्योंकि कोई एक माता कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे को गलत खाना मिले। और ये बोल रहे हैं कि जब ये इस तरीके की इंप्लीमेंट की जा सकती है किसी स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट में, हम देख सकते हैं इंप्लीमेंट हो चुकी है, तो पूरी कंट्री में क्यों इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को सीखना चाहिए बिहार से या फिर महाराष्ट्र से, और इस तरीके की पॉलिसी जो है हम पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मॉनिटर भी एक ऐसा है कि वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का नुकसान हो, क्योंकि बच्चा कितना भी बदतमीज हो, कितना भी शैतान हो और कितना भी मतलब दिखने में अच्छा ना हो, माँ को हमेशा अपना बच्चा सबसे अच्छा लगता है। तो ये बात बोली गई है, तो इसीलिए वो एक तरीके से उसको अच्छे से टैकल करेगी जो भी वहाँ पे मतलब फूड वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का हम पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपका क्या मानना है इससे रिलेटेड, आप भी कमेंट लिखिए इसके ऊपर क्या मानना है आप लोगों का। और देखिए एक देखिए सेक्स एजुकेशन वाला जो मैंने पीछे भी आर्टिकल डिस्कस किया है उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, नेगेटिव कमेंट तो लिखते हैं आप, थोड़ा सा इसके बारे में क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, सोचिए उसके बारे में, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं जो आर्टिकल में डिस्कस की गई है। सेक्स एजुकेशन का भी थोड़ा सा फंडा डालने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को क्या लगता है किस तरीके से हम सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। आप लोग थोड़ा अपना माइंड हल्का सा खोल के उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज कीजिएगा अपने माइंड को, ओके। तो ओपन माइंड यूज कीजिएगा वहां पे जितना भी आप लोग हो सके अच्छे से। यहाँ पे देखिए पेज फर्स्ट पर ये न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है जो पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट कर दिया गया था कि जो जिस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनको एक तरीके से काटने के लिए या फिर उनको बेचने के लिए उस लेवल पर रोक लगा दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया है, क्योंकि ये बहुत से मतलब सिटीजन है उनका लाइवलीहुड पे इंपैक्ट डाल रहा है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो इसके अलावा जो इंप्लीमेंट किया गया था प्रिवेंशन एंड द क्रुएल्टी एंड एनिमल्टी रेगुलेशन लाइव स्टॉक जो मार्केट रूल है उसको उस पर रोक लगा दी गई है, ये 26 मई को इंप्लीमेंट किया गया था। और आज आप लोगों को जो इतनी भी कटिंग देखने को मिलेगी न्यूज़पेपर की, वहाँ पर थोड़ी सी धुंधली देखने को मिलेगी। आज न्यूज़पेपर में पता नहीं क्या किया गया, उन्होंने काफ़ी पैटर्न चेंज कर दिया गया न्यूज़पेपर का, मतलब डाउनलोड करने का उन्होंने वेबसाइट चेंज किया, तो इसलिए पता नहीं क्या जो क्लिप्स हैं उनकी काफ़ी धुंधली दिख रही है आज। तो वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है, कभी आप लोग सोचे कि क्लियरिटी लाओ, तो ये कटिंग में थोड़ी धुंधलीपन नजर आ रहा है आज के न्यूज़पेपर में, ओके।
देखिए यहाँ पे पेज 7 पर ये न्यूज है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गोदावरी के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से गोदावरी को क्लीन किया जाना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गोदावरी को जो क्लीन करना है, जो यूएसए के रिसर्चर उसको क्लीन करने की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, और इसके अलावा जो पोल्यूटेंट है जो पानी में उसका मिक्सअप लेंगे, कई सारे मेथड यूज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उसके अलावा वहां से कलेक्ट करेंगे सैंपल्स पानी के, सेंसर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको पानी को मतलब सही बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर की बात की जा रही है, गोदावरी जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अच्छा आप लोग बताइए कि फर्स्ट रिवर कौन सी है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है इंडिया की, ठीक है। और स्टार्टिंग की तीन रिवर के नाम लिखिए, पहला तो हो गया, पहला तो आप लोगों को बताना है, सेकंड गोदावरी हो गया, तीसरा कौन सा है जो सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, ठीक है। और ये भी बताना है कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ईस्ट वर्ड फ्लो हो रही है या फिर वेस्ट वर्ड फ्लो हो रही है, मतलब कि ये अरेबियन सी में जाकर गिर रही है या फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही है। तो ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए जो ये स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बिल एंड द मेलिंडा जो गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसके ऊपर जो ये फाउंडेशन है उनके द्वारा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। और काफी मतलब अच्छा रहेगा अगर ये ढंग से वर्क कर रहा है तो आगे आने वाले टाइम में दूसरी जो रिवर्स है उनको भी साफ करने में हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। ये न्यूज है, काफी अच्छी न्यूज है, पेज 7 पर यहाँ पे क्या बोला गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों ने कई सारी सुनी होगी, डेयरी से रिलेटेड सोसाइटीज है, फार्मिंग से रिलेटेड सोसाइटी है। तो राजस्थान पहला स्टेट बन गया है जिसने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी है। तो अलग अलग के लिए यहाँ पे 6 से 8 तक की क्लास की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अलग अलग सोसाइटीज के लिए। तो आप लोगों को याद नहीं रखना है कि राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन लेके आया है, ओके। ये देखें यहाँ पे क्या बोला गया, ग्रीन कार्ड की बात की गई। ग्रीन कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो यूएसए में दिया जाता है उसमें वहाँ पे रहने के लिए, अगर वहाँ पे किसी को रहना है जाके, ठीक है ना। तो बोला गया कि मोर देन 50% जो यहाँ पर एप्लीकेशन भरते हैं तो उनमें से जो सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है, मतलब जिनको मिलता है, वो तो इंडिया की थर्ड रैंक है यहाँ पर, ठीक है। सबसे ज्यादा मेक्सिको को, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया, फिर फिलीपींस, तो इस तरीके से तो इंडिया का तीसरा नंबर है यहाँ पे। अगर आप लोगों को कभी देखने को मिले कि इंडिया सबसे ज्यादा नहीं है, कई बार शोर मचा रहता है कि इंडिया की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर रहती है, तो इंडिया तीसरे नंबर पे, हमसे ज्यादा तो चाइनीज रहते हैं यूएसए में, ठीक है ना। इसके अलावा पेज 11 पर न्यूज है, यहाँ पर फोर्थ सैनिक की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या बोला है, आप लोगों ने कई बार इसका जिक्र भी सुना होगा, तो पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ अगर फोरेंसिक होता क्या है। यहाँ पर देखिए फोरेंसिक जो जांच होती है, आप लोगों ने कई बार मूवीज में भी सुना होगा, ये एक साइंटिफिक मेथड और टेक्निक होता है इन्वेस्टिगेट करने का क्राइम को, कि क्राइम क्या किया गया है। तो ये एक्सपायर हो गए हैं, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इनका नाम याद क्यों रख सकते हैं, क्योंकि जो इनका नाम जुड़ा हुआ है वो राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, उनको मारा गया था, तो उनसे रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर, इनकी जो फोरेंसिक टीम थी, उन्होंने इसका मतलब पता लगाया था किस किस तरीके से ये किया गया है, ठीक है ना। तो इनका नाम आप लोग याद रखना है, इस तरीके के कई बार पर्सन ओरिएंटेड न्यूज में आ जाता है। और इसके अलावा पाथुर नटराजन जो आइडियल है वो लाई गई थी कहाँ से, यूएसए से, तो उसमें भी मतलब इन्होंने काफी अहम रोल प्ले किया था। तो नाम याद आप लोग रख सकते हैं इनका, चंद्रा जी का, तो नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। देखिए पेज 13 पर न्यूज है, लिबर्टी ने बाय कर लिया टाटा की पाइप मिल्स जो होती हैं यूके में, ठीक है। तो इस तरीके कई बार आ जाते हैं बैंकिंग में, खासकर पूछ लिया जाते हैं किसने किसको खरीद लिया है। तो ये इंडस्ट्रियल ग्रुप संजीव गुप्ता जी हैं, तो इन्होंने खरीद लिया टाटा की जो स्टील की मिल है वहां पर यूके में। इसके अलावा पेज 13 पर न्यूज है, बैंक शुड गिव द लोन टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, ये एक तरीके से छोटे छोटे लेवल पर ग्रुप होते हैं जिससे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई वर्क कर रहा है उनको लोन मिल, आपस में मिलकर लोन प्रोवाइड कराते हैं एक दूसरे को, तो उस तरीके की एक्टिविटी करते हैं ये, ठीक है। तो अरुण जेटली जी ने क्या बोला है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है खासकर उनको फोकस देकर चलना चाहिए, क्यों, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, जिस तरीके से ठेली लगाने वाले, रेडी लगाने वाले, जो इस तरीके की एक्टिविटी होती है, तो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो, तो ये सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें वर्क करते हैं। तो बैंकों को इनको ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सके, तो ये अरुण जेटली जी ने सजेशन दिया है। तो ये थोड़ी सी इस तरीके की न्यूज कई बार आ जाती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन थे मैंने जो कल पूछे थे आप लोगों से, साबरमती आश्रम के बारे में, ये गुजरात में स्थित है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है आर्टिकल 44 डीपीएसपी के तहत आता है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा, सबसे बड़ा तो है भारत रत्न। अच्छा अभी बताइए कि लेटेस्ट भारत रत्न किसको मिला है और सबसे पहला भारत रत्न किन को मिला था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताइएगा। तो भारत रत्न है, फिर उसके बाद में पद्म विभूषण आता है, फिर उसके बाद में पद्म भूषण आता है, इसके बाद में पद्म श्री आता है, तो चारों जो है घटते हुए क्रम में, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होती है, फिर ऐसे ऐसे घटते चले जाते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट के सेशन की बात पूछी थी मैंने, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं और मिनिमम 2 तो करने ही करने होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो बजट सेशन होता है फरवरी से मई के बीच में, सबसे देखा जाए तो देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 4 महीने का हो गया। फिर इसके बाद में मानसून सेशन होता है, वो क्या होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने का ये हो गया।
विंटर सेशन होता है नवंबर और दिसंबर दो महीने का ही हो गया, तो कभी आप लोगों से ये भी आ जाएगी घटते हुए क्रम में सेशंस को लगाओ, तो सबसे बड़ा सेशन जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है बजट सेशन, फिर मानसून सेशन और फिर विंटर सेशन। तो ड्यूरेशन के घटते हुए क्रम में भी आप लोग इसको लगा सकते हैं कभी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो। ओके, मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है, मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री आज की डेट में चाइना है, फिर इसके बाद में इंडिया और यूएसए और इंडोनेशिया, चार मैंने पूछा था। स्टेट कौन से हमारे, तो मिनी इंडिया जिसको हम यूपी बोलते हैं, महाराष्ट्र, बिहार एंड द वेस्ट बंगाल, ये हमारे चार स्टेट हैं जो कि घटते हुए क्रम में है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आता है तो इसको शेयर भी कर दिया कीजिए। तो नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।